नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको एमसीक्यू सीरीज़ पढ़ा रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़। आज हम उस सीरीज़ में करने वाले हैं हार्टमानिया के क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले हमने कॉर्डेट के आगे के जितने भी चीज़ें हैं उसके क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं हार्टमानिया से रिलेटेड। अब हार्टमानिया के क्वेश्चन की बात की जाए तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन सीरीज़ को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो यूरो कॉर्डेट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इनहेबिट कहाँ करते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ पाए जाते हैं, एस्चुराइन हैबिट में, फास्ट स्ट्रीम में, मैरीन हैबिट में, या फेरस वाटर लेक में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मैंने बताया था ये कैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं, मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर हार्टमानिया, इनमें से कौन सा टर्म जो है यूज़ नहीं होता है हार्टमानिया के लिए। तो उंडा पसी, मुलाई करना, सी स्क्वाट, ये सारे नाम क्या हैं हार्टमानिया के। सी स्कर्ट इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन हार्टमानिया, हार्टमानिया में फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है, इंटरनल, इंटरनल या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होता है एक्सटर्नल होता है, लेकिन कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बॉडी ऑफ हार्टमानिया इज डिवाइडेड इंटू, बॉडी ऑफ हार्टमानिया किस तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो है बॉडी प्रॉपर और फूट में, दो ही पार्ट में इनका बॉडी हेड जो है बॉडी डिवाइडेड होता है, एक बॉडी प्रॉपर पाया जाता है, दूसरा फूट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ब्रैंकियल सैक होता है इनको किस नाम से और जाना जाता है, ठीक है। एट्रियल बास्केट, एट्रियल फ्लावर, ब्रैंकियल फेदर, ब्रैंकियल बास्केट, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंथ का, दैट इज डी, ठीक है, ब्रैंकियल सैक के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। कि इंटेस्टाइन ऑफ हार्टमानिया इज, इंटेस्टाइन जो होता है हार्टमानिया का वो किस शेप का होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू शेप्ड का होता है, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइलोरी ग्लैंड इन हार्टमानिया, ठीक है, हार्टमानिया का जो पाइलोरी ग्लैंड है वो किस तरीके से पाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर आपका 12 का हो जाएगा, ए दैट इज स्टमक एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका क्या होता है, फेरिंग्स, स्टमक, टेस्ट, लीवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट जो होता है, रेस्पिरेशन इनका इसी से होता है। मोस्ट ट्यूनिकेट्स हार्टमानिया को छोड़कर एक्सट्रैक्ट करते हैं रेयर मेटल को, उसको क्या कहा जाता है, तो वो होगा आपका वेनेडियम, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हार्टमानिया भी दे देता है, ठीक है, यहाँ पे हार्टमानिया छोड़ दिया, लेकिन अगर यूरोकॉर्डेट की बात करता है तो आप वहाँ पे अगर हार्टमानिया ऑप्शन में देता है तो हार्टमानिया लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द अपर्चर ऑफ साइफन इन हार्टमानिया इज गार्डेड बाई, जो अपर्चर होता है हार्टमानिया में वो किसके द्वारा गार्डेड होता है, फोर लिप्स के द्वारा, थ्री लिप्स के द्वारा, टू लिप्स के द्वारा, वन लिप के द्वारा। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है, कितने लिप पाए जाते हैं, चार लिप्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से गार्डेड होते हैं। तो कितने लिप पाए जाते हैं, फोर लिप्स पाए जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है हार्टमानिया का, इंटेस्ट, मेडअप किससे मेडअप होता है, ठीक है, स्टार्च से, ट्यूनिसिन से, ल्यूसिफरेज से, मेटासिन से। तो आप सबको पता है इनको क्या बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है इनको, ट्यूनिकेट। तो ट्यूनिसिन से मिलकर बना होता है, इसी वजह से इनको ट्यूनिकेट के नाम से जाना जाता है। मेगा स्केलरस अगर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ इन हार्टमानिया एक्सेप्ट, जो मेगा स्केलरस स्केल होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, वो बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है एक्सेप्ट, एक पार्ट को छोड़कर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हार्ट, लीवर, फेरिंग्स, किडनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवंथ का ए, हार्ट में नहीं पाया जाता, बाकी हर जगह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा जा रहा है कि जो एनुलर मसल होती हैं पाई जाती हैं किसके नियर पाई जाती हैं, ठीक है, फेरिंग्स के, साइफन्स के, हार्ट के, लीवर के, किसके नियर पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर एट का हो जाएगा सी, हार्ट की नियर पे एनुलर मसल पाई जाती हैं। ट्रू सीलोम इन हार्टमानिया इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, जो इनमें ट्रू सीलोम होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, किसकी वजह से, बॉडी वॉल की वजह से, इंटेस्टाइन की वजह से, एट्रियम की वजह से, या फिर मेजेंट्रीज की वजह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन्थ का सी, दैट इज एट्रियम की वजह से होता है, घट जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ नीचे मैंने इसके आंसर भी प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बन रहे इसी तरह और अच्छे क्वेश्चंस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू एवरीवन।